आइए, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और इससे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का समझे थे, अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को समझेंगे। तो जब इसकी बात करते हैं पहचान की, तो वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये चीजें आएंगी, तो आप जान जाना ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और इसकी रचना जी की बात करें, रचना या स्ट्रक्चर, तो सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब एम, इज, आर, उसके साथ क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़ेंगे, इसको जीरण फॉर्म भी कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर बात आती है कि किसके साथ एम लगाएं, किसके साथ इज लगाएं, किसके साथ आर लगाएं। तो हम समझ लेते हैं, आई के साथ एम लगाएंगे, यू, दे, वी, और इसके साथ साथ प्यूरल फॉर्म का, प्यूरल, प्यूरल में आपका थिंग हो, थिंग्स आर पीपल, ये हो, तो आर यूज करेंगे। और जब ही, सी, इट, उसके साथ सिंगुलर पीपल या थिंग, पीपल या थिंग हो, तो इनके साथ हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। तो अब समझ में आ गया, एम आई के साथ, आर, यू, दे, वी, प्लूरल नंबर थिंग्स और पीपल के साथ, ही, सी, इट, सिंगुलर नंबर पीपल और सिंगुलर नंबर थिंग के साथ इज लगाएंगे। अब हम इनको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, आई के साथ एम। अब देखिए सूत्र जो हम देखे थे उस कैसे फिट हुआ, उसको थोड़ा सा जांचते हैं। ये क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट प्लस ये हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से एम, प्लस ए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी प्लस आईएनजी, और ये हो गया आपका प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा फार्मूला, फार्मूला के अनुसार हम चले। उसी प्रकार से अब अन्य जो सब्जेक्ट के ऊपर देते हैं, बात करते हैं, जैसे कि अब यू, यू, यू के साथ क्या आ जाएगा, आर, यू आर विजिटिंग, यू आर विजिटिंग योर कजन, और उदाहरण देखते हैं, ही इज मीटिंग, ही इज मीटिंग हिज फ्रेंड्स आफ्टर स्कूल, आफ्टर स्कूल,
और उदाहरण देखते हैं, जैसे जैक एंड जिल आर ऑलवेज फाइटिंग। इसी प्रकार से और उदाहरण देखते हैं, द किड्स आर अराइविंग एट 6 o'clock। कुछ चीजें समझते हैं, जैसे द किड्स है, ये आपका